तो दोस्तों मैंने इस हफ्ते देखा डंकी का ट्रेलर। क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने? ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा। ट्रेलर देखने के बाद मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि पठान और जवान जो पिछली शाहरुख खान की पिक्चरें थी उससे काफी अलग डंकी होने वाली है। ट्रेलर को देखने के बाद इतना पता चल गया कि एक टिपिकल राजकुमार हिरानी की मूवी लग रही है, जो कि एक अच्छी बात है। यानी कि स्टार्टिंग में हमें ट्रेलर में देखने को मिलती है काफी सारी सैचुरेटेड कलर्स हैं, बहुत सारा सब कुछ कलरफुल सा दिखा रखा है, उसमें लाइट हार्टेड कॉमेडी भी हो रही है, सॉन्ग्स भी हैं, पर ट्रेलर चलते चलते डार्क होता जाता। अब तक जो भी हमें दिखाया गया ट्रेलर के द्वारा, टीजर के द्वारा, गाने जो है, तो उसमें हमें इतना पता लग रहा है कि डंकी जो है वो 5 कैरेक्टर्स की कहानी होने वाली है। शाहरुख खान हमें मेन लीड में दिखाई देंगे इस मूवी में। 5 कैरेक्टर एक पंजाब के किसी गांव से बिलोंग करने वाले हैं और इनमें से 4 कैरेक्टर्स यानी कि शाहरुख खान के कैरेक्टर को छोड़ के चाहते हैं कि वो लंदन जाए, लंदन में अच्छी लाइफ जिए, लंदन में बेसिकली वो सेटल हो जाए। पर वो हो नहीं पाता क्योंकि उनका वीजा नहीं लगता, कुछ इश्यूज पड़ जाते हैं, मे बी वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से वो लंदन नहीं जा पाते। तो फिर वो ट्राई करते हैं कि इलीगली लंदन में घुसा जाए और जब वो फाइनली लंदन में पहुंच जाते हैं, और मुझे लगता है यहाँ पर काफी सारे सैक्रिफाइसेस हमें देखने को मिलने हैं, यानी कि कुछ कैरेक्टर्स में भी जर्नी के दौरान मारे जाएं। जब वो लंदन पहुंचेंगे तब उनका बबल बस्ट हो जाएगा कि हमने जैसा सोचा था वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई हैपनिंग लाइफ नहीं हो रही है, कोई हम खुश नहीं है यहाँ पर, हम तो भाई पंजाब में ही बढ़िया थे, हम तो अपने घर में ही ठीक थे, अब हमको घर वापस जाना है। और जब वो घर वापस जाने को हो रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ शाहरुख खान इस जर्नी को सर्वाइव कर पाएंगे, यानी कि मूवी में सिर्फ वही बचेंगे। तो काफी ज्यादा इमोशनल और डार्क होने वाली है ये मूवी। हम आगे ट्रेलर में देखते हैं कि वो एक्शन कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, पुलिस से भाग रहे हैं, आर्मी लोगों से बच रहे हैं, बंदूकें उन पे चलाई जा रही है, कुछ कैरेक्टर्स को तो गोली भी लग गई। अब वो एग्जैक्टली कौन सा कैरेक्टर है इतना नहीं पता लग रहा, कैरेक्टर्स तो जाने वाले, अब वो कौन सा जाएगा या कितने जाएंगे, सारे जाएंगे या शाहरुख खान बच जाएंगे, सिर्फ शाहरुख खान तो हमें बचने वाले क्योंकि हमें उनका एक ओल्डर वर्जन भी दिखाया जा जो कि अपने गांव में वापस आ चुका है और एक रेस में हिस्सा ले रहा है, मतलब काफी अजीब। ट्रेलर देख के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, ये ट्रेलर वाली वाइब देता नहीं है, यानी कि ये हाइप उतनी ज्यादा क्रिएट नहीं करता, इतना पता था हमें बस उतना ही बताया गया। ट्रेलर अच्छा है लेकिन इसे देख के मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ मेरा दिमाग फट गया या बहुत ही शानदार ट्रेलर, ऐसा नहीं है, अच्छा ट्रेलर है। तो यही था वीडियो के अंदर, अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे, कमेंट करे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार।